राहुल गांधी की यात्रा के बाद अब लगातार नेता पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर आज हमारे साथ बलराज कुंडू है, उनसे जानेंगे किस तरह की यात्रा निकाली जा रही है और कितना हरियाणा के अंदर रिस्पॉन्स मिल रहा है। नमस्कार बलराज जी। जी नमस्कार। एक राहुल गांधी के बाद लगातार यात्रा निकाल रहे नेता, आपकी बात की जाए फिर या इनेलो भी यात्रा निकालेगी, किस तरह की यात्रा निकाली जा रही है उसके बारे में बताइए। ये यात्रा प्रदेश के लोगों को जगाने के लिए सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार की नीतियों की वजह से आज पूरा प्रदेश में एक जो है ना एक अजीब माहौल बना हुआ है। एक जो है ना पूरा प्रदेश का हर वर्ग पीड़ित और प्रताड़ित अपने आप को महसूस, ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हम युवाओं की बात करें तो आज युवा सीईटी क्वालिफाइंग को लेकर सड़कों पे है, पुलिस की ज्वाइनिंग को लेकर सड़कों पे है, कौशल रोजगार निगम में हो रही बहुत भयंकर धांधलेबाजी को लेकर सड़कों पे है, आज प्रदेश का खिलाड़ी सड़कों पे है, आज प्रदेश के सरपंच सड़कों पे है, आज प्रदेश का कर्मचारी ओपीएस पेंशन को लेकर सड़कों पे है, आज प्रदेश में जो है ना बुजुर्ग अपनी पेंशन कटने से परेशान है, आज प्रदेश का गरीब जो फैमिली आईडी में इनकम के नाम पर हो रही बहुत बड़ी धांधली को लेकर, अपने राशन कार्ड कटने को लेकर निराश और हताश है। तो प्रदेश का हर वर्ग पीड़ित और प्रताड़ित महसूस कर रहा है। आज प्रदेश का किसान सड़कों पे है अपने हक के लिए। तो उन सब बातों को लेकर आज जिस प्रकार का माहौल, राजनीतिक माहौल बना हुआ है, आज जो राजनीतिक पार्टियों के जो एमएलए उनके नेता हैं वो विधानसभा में अपना जुगाड़ बिठाने के लिए लगे रहते हैं, अपनी सरकारी लाभ लेने के लिए लगे रहते हैं, उनको प्रदेश की जनता से कोई सरोकार नहीं, किसी की बात उठाने का वो उचित नहीं समझते। और आज प्रदेश के अंदर जो है ना लोगों का विश्वास उठ चुका है सरकार से और इन नेताओं से, तो उसके लिए प्रदेश के लोगों को जगाने में किस प्रकार से आने वाले समय में प्रदेश के अंदर जो प्रदेश के गरीब और किसान मजदूर का बेटा, पढ़ा लिखा युवा नई सोच का, वो उसकी भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा में हो, उसका प्रतिनिधित्व होगा, तो निश्चित रूप से प्रदेश के अंदर ऐसी नीतियां विधानसभा में बनेंगी जो प्रदेश हित में, प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए, कर्मचारी व्यापारी किसान छोटे उसके लिए, तो ये जागरूकता लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए तैयार करने के लिए कि आप पार्टी के नेताओं और चाटुकारों को छोड़कर अपने बीच के अपने किसी बेटे को, पढ़े लिखे ऊर्जावान को आप विधानसभा में भेजिए, तभी इस प्रदेश का भला होगा। तो बात की जाए तो इस यात्रा का बाद 12वां दिन है, अभी तक हरियाणा की बात करो कितना रिस्पांस मिला है उसके बाद? रिस्पांस तो आप खुद देख रहे होंगे, आप जिस प्रकार हर गांव में पूरा गांव जो है ना समर्थन के लिए उमड़ा मिलता है, स्वागत के लिए मिलता है, ये स्वागत और ये भीड़ ये इस बात का संकेत है कि आज प्रदेश की सरकार की नीतियों की वजह से पूरे प्रदेश के अंदर एक जो है ना एक बहुत ही गलत माहौल बना हुआ है। लोगों का विश्वास उठ चुका है प्रदेश की सरकार से। आज प्रदेश के अंदर सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्रदेश में महंगाई, भ्रष्टाचार और लूट, और प्रदेश को जो है ना बेरोजगारी में आज नंबर वन करने का काम किया इस सरकार ने इनकी नीतियों की वजह से। तो आज इस बात के लिए ये भीड़ जो उमड़ रही है, ये हुजूम हर गांव के अंदर आप देखते हो, पूरा गांव सड़क पे होता है, ये उसी का नतीजा है। एक ई टेंडरिंग का विरोध हरियाणा के अंदर चल रहा है कि सरकार के देश में पारदर्शिता लगाने के लिए ई टेंडर लगा रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष है या फिर सरपंच है वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है, इसमें क्या कमी है और क्या ये जो फैसला सरकार कर रही है ई टेंडरिंग को लेकर सही है या फिर गलत है? देखिए ये सरपंचों के मौलिक अधिकार का हनन है। आप किस ई टेंडरिंग की बात कर रहे हो? जो कोई बाहर का आदमी आके गांव में टेंडर ले लेगा वो गांव में काम कैसे कराएगा? ये पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र का अभिन्न अंग होती हैं, गांव ग्रामीण अंचल का विकास के लिए इनकी मेन भूमिका पंचायतों की होती है। ये पंचायतों का पहले तो 2 साल बाद वैसे ही लोकतंत्र की हत्या कर रही है सरकार, चुनाव ही 2 साल बाद कराए, लेट कराए, जान पूछ के उसको डिले किया। अब 2 साल बाद चुनाव कराने के बाद सड़कों सरपंचों के अधिकारों पर कैंची चला दी। तंत्र वही है, वही SDO है, वही एक्शन है, वही BDO है, वही सेक्टरी है, वही सिस्टम है, किस बात के लिए पारदर्शिता की बात कर रही, टेंडरिंग के लिए बात कर रहे हैं? आज किसी भी इमरजेंसी में कोई बात, कोई काम कराना पड़े तो ई टेंडरिंग की भी इंतजार होगा उसके अंदर।
सरपंच का अधिकार क्षेत्र में आता है, जो कोई इमरजेंसी में कोई काम करना पड़े वो अपनी अधिकारों से उसको काम को पूरा करें। आपको काम की क्वालिटी चेक करनी, क्वालिटी कंट्रोल बिठाइए उसके क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए, आप सिस्टम बनाइए उसके लिए। ये कौन सा तरीका है टेंडरिंग करके जो है ना 5 पैसे सरपंचों को दिए नहीं, पहले उनको चोर साबित कर दिया भाई, ये तो लूट हुआ। पूरा प्रदेश में आज लूट मची हुई है, पूरे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, लूट का माहौल है। आज प्रदेश के ऊपर कर्जा 3.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा चलेगा, जो हर साल बढ़ता जा रहा है। 3.5 साल में एक पक्की नौकरी लगाने का काम नहीं किया है इस सरकार में। ये सरकार सारा सिस्टम तानाशाही तरीके से अपने रिमोट कंट्रोल में चलाना चाहती है। ये नहीं चाहती लोकतंत्र वाले अधिकार किसी के पास रहे, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ़ हूँ। सरपंच जो अपने हड़ताल कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ और वाजिब है, इसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। एक केंद्र सरकार का बजट पेश हुआ था, उस बजट को लेकर सरकार अपने गीत गा रही है कि हमने अच्छा बजट किया है, लेकिन जो विपक्ष है वो कह रहा है कि इस बजट को लेकर कोई खास फायदा गरीबों को नहीं हुआ है, ना ही देश को हुआ है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर? ये सपने दिखाते हैं, ये सपनों के अलावा कुछ नहीं है, हर चीज़ के गीत गाते हैं। आज प्रदेश का बुरा हाल है, हर जगह बुरा हाल है। मैं आपके बरवाड़ा शहर से निकला हूँ, इतना गंदार, इतना बुरा, धूल मिट्टी पूरा बदहाल जो है बरवाड़ा को देख के आया हूँ। ये नरक से भी बच्चे बदतर हो रखा है। 8.5 साल का जो समय जो है इस प्रदेश की सरकार का हो चुका है। आज भी जो है ना, ये पिछली सरकारों पर टिक्का टिप्पणी करेगा, ये सारे चेहरे बदल जाते हैं, सब लूट की दुकानें हैं। अब प्रदेश के लोग इस बात के लिए तैयार हो गए हैं, अब वो नया सिस्टम, नया तंत्र, एक नई सोच जो है ना प्रदेश के अंदर लागू होगी। इस बात के लिए ये चिंगारी जन जागृति यात्रा के माध्यम से मैंने लोगों के अंदर जगा दी। तो हरियाणा के बजट को लेकर क्या कहेंगे, कितनी उम्मीद है हरियाणा जो बजट पेश होगा कुछ दिनों के बाद, तो उसको क्या उम्मीद है कि कितना? कोई उम्मीद नहीं, वही सिर्फ आंकड़ों का खेल होगा, उसमें कुछ लिखा जो कुछ नहीं। हर बार की तरह इस बार भी वो आंकड़ों का खेल करके जनता को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अब जनता बेवकूफ़ बनने वाली है नहीं। अब लोगों को इनकी कार्यशैली अच्छी तरह समझ में आ गई है। ये लोग इस प्रदेश को लूटने के लिए, इस प्रदेश को जातिवाद के नाम का जहर घोल कर सिर्फ आपसी भाईचारा खराब करने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। जो यात्रा आप जन जागृति यात्रा कर रहे हैं, क्या मान सकते हैं कि 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, 2024 के लिए जगाने के लिए मैं लोगों को निकला हूँ कि वो अपने पढ़े लिखे युवा, बेटा बेटी, युवाओं की भागीदारी हो, कि लोग जागृत हों। इन जो पार्टियों और नेताओं के गुलाम चाटुकार लोग जो जिनको टिकट देकर लोगों के बीच में छोड़ दिया जाए है जाता है, उनकी दुकान बंद हो और लोगों की अपनी सरकार हो, लोगों के अपने चलाने वाले बुद्धिजीवी, विद्वान, पढ़े लिखे, ऊर्जावान, नई सोच के युवा हों, यही मेरा संदेश है। इससे आगे की जो यात्रा है, किस तरह का रूट रहेगा, किस तरह की प्लानिंग रहेगी, किस दिन यात्रा जो समापन होगी उसके लिए बताएं। यात्रा यहाँ से आज बारडा का पड़ाव है हमारा, आज रात्रि ठहराव पाबड़ा में है, पाबड़ा से कल चलेंगे उकलाना होते हुए, कल दनोदा में रात्रि ठहराव होगा, उसके बाद वहाँ से चलेंगे तो कैलरम के अंदर जो है ठहराव होगा, फिर उधर कैथल से होते हुए कुरुक्षेत्र, यमुनानगर होते हुए पंचकुला, 18 तारीख को हम जो है ना इसका समापन करने इधर है, 19 तारीख को महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम। एक राहुल गांधी ने यात्रा निकाली है और कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सरकार की बात कहे तो आप भी यात्रा निकाले, कितना असर देखने को मिला कि जिसमें फ़ायदा हो? देखिए, मैं यात्रा लोगों को निकालने जगाने के लिए कर रहा हूँ, वो यात्रा वोटरों को रुझाने के लिए कर रही, मैं लोगों को जगाने के लिए कर रहा हूँ। और ये सब लोग खेल अब लोगों को समझ में आ गया, ये एक दूसरे के 20-20 मैच खेलते हैं, ये सत्ता परिवर्तन का नहीं, अब की बार व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई होगी, यही एक उसके लिए चलेगा अभियान। कल गुरुग्राम की बात करें, नगर निकाय को लेकर दोनों पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्या आपकी तरफ से भी ऐसा कोई नहीं अभी ऐसा कोई मेरा प्लानिंग नहीं है, मेरा उद्देश्य फिलहाल लोगों को जगाने का है और उसमें मैं लगा हुआ ये जन जागृति यात्रा। बिल्कुल।